अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसन। आज शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के लॉस एंड फाउंड सेंटर की कार्रवाई, चोरीशुदा गाड़ी ढूंढकर मालिक के हवाले कर दी। सब्जाजार के इलाके से शहरी ने 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन पर गाड़ी चोरी की इतला दी थी। पंजाब भर से गुजशत 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 86,267 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 6,148 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 49,004 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजशत 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5,023 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 810 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। बहावलपुर थाना सदर यजमान की हदूद में अराजी तनाजा पर मुलजमान के शहरी पर वैश्याना तशद्दुद का मामला। DPO बहावलपुर असद सरफराज खान का सिविल अस्पताल का दौरा, जख्मी शहरी की अयादत। शाबाश मुल्तान पुलिस, शाबाश थाना सिटी शुजाबाद के रिहायशी शाहिद के घर से 5 कमसिन बच्चों का अगवा। मुल्तान पुलिस की फौरी कार्रवाई, बच्चे बाजियाब, तमाम मुलजमान गिरफ्तार। खुशाब पुलिस का बिछड़ों को अपनों से मिलवाने का सिलसिला जारी। थाना कायदाबाद पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी पॉलिसिंग का इस्तेमाल करते हुए गुमशुदा बच्चे को तलाश करके वालदैन के हवाले कर दिया। वालदैन की जानिब से पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया गया। सरगोधा पुलिस अपनों को अपनों से मिलवाने में पेश। थाना भलवाल सिटी पुलिस ने लावारिस मिलने वाली बच्ची मरियम के वालदैन को ढूंढकर उनके हवाले कर दिया। वालदैन की जानिब से सरगोधा पुलिस का शुक्रिया अदा किया गया। झेलम थाना डोमली पुलिस की फौरी कार्रवाई, वालदा पर तशद्दुद करने वाला नाखल्फ बेटा गिरफ्तार। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के लॉस एंड फाउंड सेंटर ने कार्रवाई करते हुए कैसे चोरीशुदा गाड़ी ढूंढकर मालिक के हवाले की, तफसीलात देखें इस खसूसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम 15, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है, मेरी गाड़ी चोरी हो गई मेरे घर से। गाड़ी का नंबर और रंग बताइएगा। सर अपना नंबर ऑन रखिएगा, हम अभी पुलिस भिजवा रहे हैं। जो ही 15 पर गाड़ी चोरी की इत्तला मौसूल हुई तो फौरन पुलिस को जाए वकुवा पर भिजवाया गया। इमरजेंसी 15 सेंटर ने कॉलर से हासिल करदा चोरीशुदा गाड़ी की तमाम तर मालूमात पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में कायम लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर के साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम 15 जी, फरमाइए क्या मदद कर सकते हैं आपकी? जी ये मच्छर फैक्ट्री के पास ना तकरीबन 6 बजे के करीब एक गाड़ी खड़ी करके चले गए हैं, तो अभी तक कोई भी नहीं आया। दरवाजे आगे वाली खिड़कियाँ जो है वो खुली हुई है उसकी। रंग और नंबर क्या है गाड़ी का? का नंबर है। ओके, हम अभी पुलिस भिजवा रहे हैं। लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर सेफ सिटी कैमरों की मदद से गाड़ी की तलाश में सरगर्दा था कि एमरजेंसी 15 पर निश्तर कॉलोनी के इलाके से मशकूक गाड़ी मिलने की इत्तला मौसूल हुई। लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर ने कॉलर के मुताबिक दी गई इंफॉर्मेशन को जब क्रॉस वेरीफाई किया तो ये सब्जाजार के इलाके से चोरी होने वाली गाड़ी निकली, जिसके लापता होने की इत्तला 15 एमरजेंसी को ऑलरेडी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पंजाब से सिटी लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। आपकी कार जो है ना मिली है थाना कलोनी की हदूद में ना। अच्छा, मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, सब इंस्पेक्टर हैं, आप उनसे राबता कर लें, आप जाइएगा, आप तस्दीक कीजिएगा का वो आपके साथ तआवुन करेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मैडम। सेफ सिटीज में कायम लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर ने शहरी को गाड़ी मिलने की इत्तला की और शहरी को मुतलका पुलिस स्टेशन भिजवाया। मालिक ने गाड़ी की शिनाख्त मुकम्मल की और पुलिस ने कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद गाड़ी असल मालिकान के हवाले कर दी। लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर अब तक 5,000 से जायद गुमशुदा बच्चे और मुअम्मर अफराद समेत कीमती अमलाक ढूंढ कर शहरियों के हवाले कर चुका है। शहरियों से गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द के हालात पर नजर रखें और किसी भी मशकूक गाड़ी, मोटरसाइकिल या कीमती अशिया गुम होने की सूरत में फौरन 15 पर इत्तला दें। बहावलपुर थाना सदर यजमान की हदूद में अराजी तनाजा पर मुलजमान ने शहरी पर वैश्याना तशद्दुद किया। IG पंजाब की हदायत पर DPO बहावलपुर असद सरफराज खान ने सिविल अस्पताल का दौरा किया और जख्मी शहरी की अयादत की। DPO बहावलपुर ने जख्मी शहरी के लवाहकीन से मुलाकात भी की और मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई। IG पंजाब ने जेर इलाज जख्मी शहरी को बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत की है। इस मौके पर DPO बहावलपुर का कहना था कि अफसोसनाक वाकया का मरकजी मुलजिम इकरार हुसैन गिरफ्तार है। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। तमाम मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करार वाकये सजा दिलवाई जाएगी। थाना सिटी शुजाबाद के रहायशी शाहिद के घर से 5 कमसिन बच्चों के अगवा की इतला मौसूल होते ही मुल्तान पुलिस फौरन हरकत में आ गई। इतला मिलते ही फौरन FIR का इंदराज किया गया। इब्तदाई इंक्वायरी के बाद छापे मारे गए, तमाम बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया और मुजरमों को पकड़ लिया गया। इससे कबल दरख्वास्त गुजार फरीक के बेटे ने मुलजिम पार्टी की एक लड़की को भगाया तो बदला लेने के लिए यह कदम उठाया गया था।
महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 125 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 97, पंजाब यूनिवर्सिटी 102 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 95 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बायस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और कूड़े को हरगिज़ आग ना लगाएं, ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इत्तला 15 पर दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।